स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल तपस्या टीच में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि मेरे एक मित्र हैं श्याम जी, जिनका फाइनली सेंट्रल बैंक का CSP चालू हो गया है। अभी आप लोग देख रहे हैं, मैं सेंट्रल बैंक के CSP से ही आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं कि कैसे श्याम जी का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का CSP चालू हुआ है। दोस्तों अगर आप लोगों को सेंट्रल बैंक से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहां से मैं एक एक कमेंट को देखकर आप तक जानकारी प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यहां पे एक बोर्ड लगा है जिस पे लिखा हुआ है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ संजीवनी विकास फाउंडेशन बिहार। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो मेरे मित्र हैं श्याम जी, इनका संजीवनी कंपनी के द्वारा CSP मिला हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बेदाबाग कंपनी जो होता है वो प्रोवाइड करता है। दोस्तों मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा जो कमीशन है ये बेदाबाग कंपनी कमीशन देता है, संजीवनी उससे कम कमीशन देता है, और बहुत सारे कंपनी है जो CSP प्रोवाइड करते हैं जो इन दोनों से कम कमीशन देते हैं। दोस्तों अगर आपको भी CSP से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं एक एक कमेंट को पढ़ूंगा और आपके लिए वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको सटीक जानकारी मिल सके और आप भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का CSP चालू कर सकें, जिससे आप अपने घर पे बैठे पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी इशू होता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से, तो हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको एक एक जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा, और जो भी जानकारी दिया जाएगा आपको सटीक और सही जानकारी दिया जाएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप अपने घर पे बैठे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड सारी जानकारी लेंगे, और जो भी दिक्कत होगा आप अपने बैंक में जाकर या अपने घर बैठे ही शट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का CSP चाहिए तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा जिससे आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का CSP ले पाएंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप अपने घर पर बैठे बैंकिंग से जुड़ी सारी जानकारी लेते रहेंगे।